मंगलौर में उपचुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ में उपचुनाव को लेकर मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने गांव ब्राह्मण थाला में मतदान किया। महोबा में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई और भीषण हादसा हो गया। 2 बाइकों के टकराने से आग लग गई और आग की चपेट में आने से मामा भांजे सहित 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर जिले के आला अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठा हो गए। कानपुर क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित दिनेश अग्निहोत्री पर कल शाम घर जाते समय रास्ते में आधा दर्जन दबंगों ने हमला कर दिया। मारपीट कर मौके से फरार हो गए। घायल दिनेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद पीड़ित के साथ हुई वारदात को लेकर शिवराज थाने पहुंचे, जहां पर थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह ने प्रार्थी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए थाने से वापस भगा दिया और वो आरोपी से मिलकर पूरे मामले को सेटिंग कर दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मामला पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचने पर अपर पुलिस आयुक्त हरीश चंद्र ने इंस्पेक्टर को FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कानपुर में अपराध को लेकर और अपराधियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो, इसके लिए कानपुर कमिश्नरेट ने जगह जगह थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकियों का निर्माण कर रहे हैं। इसी को लेकर कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुन्नीगंज बस गड्ढा चौकी का उद्घाटन किया गया, जहाँ पर DCP सेंट्रल समेत तमाम पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। बलरामपुर में बाढ़ का कहर जारी है। फोन पर वीडियो बना रहे शख्स की अनदेखी के कारण हादसा हो गया। कार खाई में पलटने से सभी कार सवार 4 लोग घायल हो गए। कार पलटने से खाई में पलटने के बाद ग्रामीणों ने यात्रियों की जान बचाई। बता दें, कार सवार युवक सिद्धार्थ नगर से बलरामपुर की ओर जा रहे थे। बाढ़ का पानी देखकर रील बनाने के लिए रुके थे। बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। मायके जा रही महिला से लाखों की लूट कर ली। बाइक सवार लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। नकदी सहित 2 लाख का सोना चांदी लेकर चोर फरार हो गए। बता दें, पूरी घटना सियोरा क्षेत्र के पेट्रोल पंप की रोड की है। शहर के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रिंसिपल ने महाविद्यालय की छवि धूमिल करने वाले व कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में 6 महिला स्टाफ नर्सों को निलंबित कर जांच समिति का गठन किया है। बता दें, शहर के महर्षि बालार्क चिकित्सालय में 6 महिला स्टाफ नर्स ड्यूटी के दौरान एक बंदर के बच्चे के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस मामले का संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपल संजय खत्री ने सभी को अग्रिम जाँच तक निलंबित कर दिया है। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघर नदी के रौद्र रूप के चलते एक दूल्हा अपने बारात के साथ बाढ़ के पानी में फंस गया, लेकिन दूल्हे ने हिम्मत नहीं हारी। बाढ़ के पानी से गुजरकर 5 किलोमीटर का सफर कर बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। दूल्हे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। कन्नौज में एक इंस्पेक्टर सहित 7 का तबादला किया गया है। गुड़सराय के हेड कांस्टेबल अमरनाथ यादव को जहानगंज रोड चौकी इंचार्ज बनाया गया। अपराध शाखा के शैलेंद्र कुमार सिंह को गुड़सरायगंज के अतिरिक्त कोतवाल बनाया गया। इंदिरागढ़ के AK पांडे का महिला थाना ट्रांसफर किया गया है। SP ने सदर कोतवाली के 2 सिपाहियों का भी तबादला किया। उन्नाव में दूध के कंटेनर में पीछे से घुसी डबल टेकर बस, 18 लोगों की मौत की खबर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध के कंटेनर में तेज रफ्तार बस पीछे से घुस गई। बस में सवार 18 लोगों की मौत की खबर है और 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। मौत का तांडव देखकर ग्रामीण सहमे। पुलिस रेस्क्यू में जुटी हुई है। उन्नाव के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। CO बगरमाऊ अरविंद चौरसिया समेत पुलिस बल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली की ओर डबल टिकर बस जा रही थी। अगर आप एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, वीडियो आपका होश उड़ा देगा। दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है जो CCTV कैमरे में कैद हुआ है। यह हादसा किसी और की लापरवाही किसी और पर भारी पड़ी है। तेज रफ्तार कार ने साइड में चल रही कार में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे आगे वाली कार साइड में खड़े ट्रक में जा घुसी। आगे वाले कार का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सिद्धार्थ नगर में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। लोटस सहास मार्ग पर युवक के साथ यह हादसा हुआ है। बता दें, सूचना पर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। थाना क्षेत्र उसके बाजार के पास बड़की फुलिया के पास ये पूरी घटना घटी है।
बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर धीमी गति से घटना शुरू हो गया है। अभी तटवर्ती क्षेत्रों के सैकड़ों गांव जलमग्न है। बाढ़ राहत और बचाव कार्य जिला प्रशासन कर रहा है। ग्राम भ्यूरी में तटबंध के कटान को डीएम की तत्परता से रोका गया। देर रात तटबंध पर टिके रहे मंडलायुक्त शशि भूषणलाल सुशील व डीएम पवन अग्रवाल।